ऑयल आपको घर पे बनाना है, कैसे बनाना है मैं आप अभी ही दिखाएंगे। ऑयलिंग बालों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना। तो कोई कहता है कि चंपी बहुत अच्छी है, पर कोई कहता है चंपी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब क्या करें, अब महंगे महंगे स्पा तो नहीं करा सकते, क्योंकि जब हम लोग स्पा कराते हैं डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं, उस टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं बाल, लेकिन बाद में खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सब बालों से जुड़ी हुई आज जानकारी दे देती हूँ। होममेड शैम्पू मैं आपको बता चुकी थी, यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए कैसे बनाते हैं, लेकिन अब ऑयल के बारे में आपको बताते हैं। ऑयल आपको घर पे बनाना है, कैसे बनाना है मैं आप अभी ही दिखाएंगे। आप ये ऑयल आपको क्या बेनिफिट देगा और आपको ये ऑयल कब यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना है हफ्ते में 2 बार। और बाल आपको कब धोने हैं, 1 घंटा ये ऑयल लगा कर रखिए, ऑयल हल्का सा ल्यूकवॉर्म कीजिए, कॉटन से आपको अपने सिर्फ जड़ों में अप्लाई करना है और हल्के हाथ से आपको सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं करना, क्योंकि आपके फॉलिकल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। 1 घंटा रखिए, उसके बाद जो मैंने शैम्पू की रेसिपी दी है वो शैम्पू से आप बाल धो लीजिए। कंडीशनर नहीं लगाना है, हफ्ते में 1 या 2 बार आप बनाना, कर्ड, हनी, एग लगा सकते हैं। फिर आप ब्लो ड्राई, जो लोग करते हैं बाल धोने के बाद वो ना करें, वो सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। सो तेल शैम्पू घर का, कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर।